गृह मंत्री जुड़ी एक और खबर, जहां पर राजिम के शासकीय स्कूल का भवन जर्जर और बदहाल है। किसी बड़े हादसे से बचने के लिए स्कूल भवन के सामने ही किचन शेड और एक सामाजिक भवन में पढ़ाई संचालित की जा रही है। पहली से तीसरी तक के बच्चे किचन शेड में बने एक हॉल में पढ़ते हैं और चौथी से पांचवीं तक के बच्चे सामुदायिक भवन में पढ़ते हैं। अलग अलग भवनों में अव्यवस्था के आलम के चलते स्कूल महज शिक्षा के लिए एक औपचारिक साधन बना हुआ है। विडंबना है कि 15 सालों से बीजेपी के शासनकाल में राज्य मुख्यालय से सांसद और विधायक जैसे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होते हुए भी प्रदेश का हृदय स्थल धर्मनगरी में शिक्षा का स्तर बदहाल है। कई बार जिम्मेदारों को अवगत कराए जाने के बावजूद भी मामला ठंडे बस्ते में है। वो स्कूल टूट फूट गए थे का कारण यहाँ आ है करा उसने हवे जान का खतरा है। चाला भवन है, पूरा जर्जर हो चुका है और इसमें हम लोग को बिठाने में मजबूरी है, बहुत मजबूरी है। पिछले साल अभी हम लोग ना वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हम पिछले साल कार्रवाई किए गए तो सोया कमरा है सर, यहाँ मध्याह्न भोजन बनता है। हमारे स्कूल जर्जर हालत में है, जहाँ बच्चों को बैठाने में खतरा महसूस होती है, जिस कारण से मध्याह्न भोजन कक्षा में हम लोग शाला संचालन कर रहे हैं।